been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. हेलो गाइस, वेलकम टू द एज मेडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कैप्टन मार्वल के बारे में। तो इससे रिलेटेड काफी कमाल का अपडेट आया, जो कि कैप्टन मार्वल के फैंस हैं जिन्होंने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद कैप्टन मार्वल का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा और देन काफी मन में सवाल आए कि एक्चुअल में अब आगे क्या होगा। बट फाइनली मैं आपको बता दूंगी, अक्टूबर में शायद इसका फर्स्ट लुक देखने को मिल सकता है एक टीजर के तौर पे, और देन उसके बाद हमें इसकी प्रीलूड कॉमिक देखने को मिल सकती है। अब प्रीलूड कॉमिक की टाइमलाइन की बात करें और प्रीलूड कॉमिक एक्चुअल में होती क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रीलूड कॉमिक मार्वल स्टूडियो रिलीज करता है मूवी से पहले, जिसमें कि जो भी सीन दिखाए जाए होते हैं वो सेम टू सेम मूवी में हमें देखने को मिलते हैं। बट एक्यूरेट तो नहीं होते, बट कुछ चेंजेस होते हैं स्टोरी में, बट हमें वो सीन बिल्कुल एक्यूरेट दिखाए जाते हैं, जैसा कि आपने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की प्रीलूड कॉमिक या एज ऑफ अल्ट्रॉन की या सिविल वॉर की देखी होगी। और देन अगर इसकी टाइमलाइन की बात करें तो ये फॉलो करेगी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के बाद की स्टोरी को, यानी कि आपने जो पोस्ट क्रेडिट सीन देखा था ये उसके बाद की पूरी कंटिन्यूस स्टोरी को दर्शाएगा, यानी कि जो स्टार्ट होगा उसका जो पहला पेज होगा वो होगा निक फ्यूरी का। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से पेज से कनेक्टेड होंगे तो आपने ये चीज पहले ही पता कर ली होगी। और देन अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात करी जाए तो प्रीलूड कॉमिक लॉन्च होगी 14 नवंबर को, जो कि काफी लॉन्ग टाइम दे रखा है, यानी कि हमें मार्वल फैंस को अगर ये कॉमिक पहले मिल जाती तो ज्यादा बेटर रहता। देन आपका क्या सोचना है और आपके क्या कमेंट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये कॉमिक पहले रिलीज होनी चाहिए टीजर से पहले। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो अंदर इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर कैप्टन ब्रिटिश के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।